फतेहाबाद टिकटॉक स्टार व बीजेपी नेत्री सोनाली फोगाट के साथ मारपीट। पुलिस ने शिकायत पर उसके जीजा और बहन के खिलाफ दर्ज किया मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला। गांव बुथल कला में आई हुई थी सोनाली फोगाट। पुलिस ने धारा 323 और 506 के तहत दर्ज किया केस। सोनाली फोगाट ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट पर आदमपुर से चुनाव लड़ा था। जी मैम, एक मामला दर्ज आपने करवाया फतेहाबाद के सदर थाना में, मारपीट से रिलेटेड कोई मामला है, तो क्या हुई थी वो पूरी वो अमन पुनिया के खिलाफ करवाया है। अमन पुनिया मेरी बहनोई है और ये सारा अर्बन स्टेट में रहती है। मैं गांव गई हुई थी, मैं छोटी बहन को भी मैंने कहा था भी साथ चलेंगे, हम लोग साथ ही गए थे। मैं शाम को गई थी, वो लोग सुबह पहुँच गए थे, तो शाम की बात है देर रात की। तो पिताजी और भाई के साथ बदतमीजी कर रहा था अमन पुनिया जो बहनोई जो लगते हैं मेरे, और जब भाई तो कभी कुछ बोलता ही नहीं है, वो कुछ भी कह ले हमेशा से ही ऐसा है, भाई मेरे कुछ नहीं बोलते कभी भी। वो मेरे साथ हमेशा 10 साल से मैं जितने मेरे राजनीतिक काम रहे हैं मेरा भाई मेरे साथ रहा है। और मेरे पिताजी को भी उसने बदतमीजी से बात की, तो उस समय फिर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसको कहा भी मैं तुम्हें थप्पड़ लगा दूंगी अगर ऐसे इस तरह की बात की। तो उसने उस बात पे मुझे कि कैसे मतलब पहले सबसे पहले तो तुम्हें ठिकाने लगाऊंगा, इस घर पे तो मेरा राज रहेगा और जान से मार डालूंगा, ये मुझे जान से मारने की धमकी मिली तो मैंने कंप्लेन कर दी। और होना भी ऐसे ही चाहिए। देखिए आजकल महिलाएं ऐसी नहीं है कि घर में दुबक के बैठ जाए, और अगर अत्याचार घर के ही लोगों के द्वारा होता है तो उसके खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो खुद का बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे बहनोई हो, कोई भी हो। तो अर्थ प्रकाश के लिए हिसार से नवीन दलाल की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।